आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट एप्पल एयरपॉड प्रो 2 के बारे में, इसकी कंप्लीट रिलीज डेट, प्राइस, पाकिस्तान एंड इंडिया बताऊंगा, और इसमें कलर्स किस किस्म के आएंगे और इसमें किस किस्म के न्यू फीचर्स होंगे सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। इसकी बैटरी लाइफ कितनी होगी, ये रिलीज क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्किप ना करें, कम्प्लीट वॉच करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें मजीद अपकमिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पर देखें बहुत सारी कंपनी हर 8 से 12 महीने के अंदर अपने वायरलेस एयरबड्स अपडेट करती रहती हैं, चाहे वो सैमसंग हो, हुआवे हो, शाओमी हो, अभी तो यहाँ पर ओप्पो ने भी निकाल दिए हैं, ओप्पो के भी, वन प्लस के भी हैं, काफ़ी सारी कंपनीज के हैं, और उनकी बड़ी ज़बरदस्त बैटरी लाइफ आती है और उसके साथ साउंड क्वालिटी बड़ी सुपीरियर साउंड क्वालिटी होती है। अभी यहाँ पर 1.5 साल से ज़ायद हो चुका है एप्पल ने कोई भी यहाँ पर एयरपॉड नहीं निकाले, नहीं ठीक है, तब यहाँ पर क्या मसला हो रहा है एप्पल को, क्यों नहीं निकाले उन्होंने, मैं ये बता सकता हूँ आपको, मैं आपको बस इतना अपने अंदाजे से बता सकता हूँ। देखें यहाँ पर न्यू हार्डवेयर टेस्ट कर रहा है एप्पल, जब एप्पल मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस फील करेंगे एप्पल वाले तो तब वो उसको मार्केट में ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप एप्पल जानते हैं एप्पल की जो भी लाइनअप होती है वो काफ़ी स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पर अन इवन कुछ भी नहीं करता एप्पल, कोई भी इवेंट नहीं करता एप्पल, एक ही यहाँ पर स्पीड से चलते आ रहे होते हैं एप्पल वाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर काफ़ी डिसेंट मोबाइल बनाते हैं, कोई ज़्यादा चमकीले और भड़कीले मोबाइल भी नहीं बनाते हैं एप्पल वाले, आप जानते हैं एप्पल वाले को, और कलर्स भी जानते हैं आप इसके, ब्लैक कलर और वाइट कलर किस किस्म के होते हैं, सिर्फ 2 ही कलर्स होते हैं इसमें मौजूद, तो इस वजह से एप्पल वाले ज़रा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं इसके न्यू हार्डवेयर के मुतल्लिक कि किस किस्म का परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इसकी रिलीज डेट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अब 100% ट्रू है, ठीक है, मैं पहले भी इसकी रिलीज डेट बता चुका हूँ आपको, मैकबुक एयर की जो M2 रिलीज हुआ था, मैंने उससे पहले एक दिन पहले वीडियो बनाई थी जब WWDC हो रहा था, ठीक है ना, तो 9 जून को मैं वीडियो बनाकर अपडेट करी थी कि यहाँ पर हो सकता है कि M2 मैकबुक एयर रिलीज़ हो जाए, बट हाँ दूसरे दिन रिलीज़ हो गया मैकबुक एयर, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें मजीद ऑनेस्ट रेंडर्स देखने के लिए, और यहाँ पर मेरे सोर्सेज भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रिलीज डेट बताता चलूँ, यहाँ पर इसकी देखें रिलीज डेट, यहाँ पर अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना रिलीज डेट सेकेंड हाफ होगा 2022 का, यहाँ पर एक ये रिपोर्ट आई निकल कर मार्क गमन की जानिब से और मिंचिको की जानिब से भी यही रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब ये कब रिलीज़ होगा ये हम बता देता हूँ, देखें यहाँ पर कुछ बनता हुआ सिनेरियो ये लग रहा है मुझे कि मेरे ख्याल से यहाँ पर जब एप्पल आईफोन इवेंट होगा मेरे नहीं ख्याल से उसके साथ रिलीज़ होगा, हो सकता है उसके साथ रिलीज़ हो, बट मुझे नहीं लगता ऐसा उसके साथ रिलीज़ होगा, ये आगे जाके रिलीज़ होगा अक्टूबर नवंबर के वक्त में, ठीक है ना, जब इन 2 मंथ्स में रिलीज़ हो जाएगा ये, साथ में मेरे ख्याल से न्यू मैक भी आ जाएगा इसके, और ये जो इनका यहाँ पर ये देख सकते हैं एयरपोर्ट मैक्स भी आ जाएगा साथ में, ठीक है ना, तो काफ़ी सारे अपडेट्स करने हैं इन्होंने एप्पल वालों ने, तो ये जब रिलीज़ होगा, और इसकी प्राइस अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि $250 होगी, जैसे कि प्रीवियस एप्पल एयरपोर्ट की प्राइस है, ठीक है ना, प्रीवियस जनरेशन की। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, जो प्रीवियस जनरेशन का है ना यहाँ पर एयरपोर्ट, वो बिल्कुल डिज़ास्टर चल रहा है, उसको कोई भी बाय नहीं कर रहा बाहर के, जो भी लोग यहाँ पर एप्पल के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं उनको कोई भी नहीं खरीद रहा, ठीक है ना, ये जो एप्पल एयरपोर्ट का पिछला यहाँ पर वेरिएंट है ना जो हमारे पास आया था लगभग 1.5 साल पहले, तो उसको कोई भी नहीं खरीद रहा, जो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन है ना लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसकी प्राइस लो है बनिस्बत एप्पल एयरपोर्ट के जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना, अभी ये तो अब आया नहीं है एप्पल एयरपोर्ट प्रो 2, तो जो एप्पल एयरपोर्ट है वो प्रो मेरे ख्याल से बिल्कुल डिजास्टर चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर एप्पल के आउटलेट्स पर पड़ा हुआ, कोई ख़रीद ही नहीं रहा उसको बिल्कुल भी, उसका हिसाब आईफोन 13 मिनी वाला है, और जैसा कि आप जानते हैं आईफोन SE भी बिल्कुल सेल नहीं हो रहा, तो ये एप्पल का बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फेल चल रहा है अभी तो फिलहाल, तो इस वजह से इनको लाजमी अपडेट करने चाहिए, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं अपना कुछ सजेशन दे सकता हूँ आपको, देखें मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ प्राइस हाई होगी प्राइस हाई, अभी इंटरनेशनल इन्फ्लेशन बहुत चल रही, बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ना शिपिंग वगैरह काफ़ी सारी चेंजेस हुई हुई हैं, तो मेरे ख्याल से प्राइस हाइप होगी प्राइस हाइप, बट मैं आपको अभी नहीं बता रहा वीडियो में प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अभी मैं आपको ये बताऊँ, देखें यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यू हार्ड रेट सेंसर आ रहा है इसके अंदर, और जो यहाँ पर इसकी चिप होगी वो भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इसके केस के अंदर मिल जाएगी टाइप सी केबल, ठीक है ना,
टाइप सी पोर्ट मिल जाएगी, हम मतलब टाइप सी वाली केबल लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं आराम से। अभी मैं आपको चंद स्पेसिफिकेशन शो करता हूँ, फिर बाद में एंड में बताऊँगा कि ये एप्पल को इस एयरपोर्ट्स के साथ क्या करना चाहिए, न्यू कर सकता है एप्पल इसके साथ, ठीक है ना। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर एप्पल एयरपोर्ट प्रो 2, यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाएगी, स्पेशल ऑडियो बूस्ट वगैरह, और यहाँ पर हमें मिल जाएगी इसकी न्यू चिप ब्लूटूथ 6 के साथ मिल जाएगा ये। और यहाँ पर कोई मैं बता चुका हूँ आपको, हार्ट रेट सेंसर की ट्रैकिंग वगैरह इंप्रूव की जा रही है। और देखें वाटरप्रूफ भी इंप्रूव किया जाएगा, 1 मीटर वाटर में रह सकता है ये। और कलर्स के देखें, मैं कलर्स में बात पे आता हूँ, 24 से इसकी 26 आवर्स बैटरी लाइफ होगी एप्पल एयरपोर्ट के केस की, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी मैं बात कर लूँ इसकी, यहाँ पर प्राइस की, तो पहले बता चुका हूँ मैं आपको प्राइस, तो प्राइस की मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर हमें प्राइस मिलेगी वही $249, जो पाकिस्तान में कन्वर्ट करके मैं आपको बता देता हूँ और इंडिया में भी। देखें वीडियो के एंड में मैं यहाँ पर आपको ये मेंशन करना चाहता हूँ, देखें यहाँ पर एप्पल ने जैसे 2017 में प्रोडक्ट रेड निकाला था वगैरह वगैरह, अलग कलर्स निकाले थे, तो एप्पल को चाहिए कि एयरपोर्ट प्रो 2 के साथ भी ये करे, इसके डिफरेंट कलर निकाले, प्रोडक्ट रेड, प्रोडक्ट येलो, प्रोडक्ट पर्पल, अब जो भी कलर लोगों को पसंद है, मतलब इस किस्म के पिंक कलर, जिन लोगों को पिंक पसंद है, अब ऐसे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, क्योंकि अब बहुत से लोगों को सिंपल वाइट और ब्लैक पसंद नहीं होता, ठीक है। तो एप्पल को चाहिए कि इस पर काम करे, इसके कलर्स के ऊपर, बेशक अभी ना लॉन्च करे, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर लॉन्च कर दे इसके न्यू कलर्स, जैसा कि अभी आईफोन के कलर्स लॉन्च हुए थे अभी मार्च के टाइम में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कलर्स न्यू लॉन्च हुए थे यहाँ पर ग्रीन कलर का, ठीक है ना। तो ये न्यू ग्रीन कलर लॉन्च हुए थे, तो ऐसे एप्पल को चाहिए कि इसके न्यू कलर्स लॉन्च करे, ताकि लोगों के पास वैरायटी ज़्यादा हो। अब यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रू हार्डकोर एप्पल के फैंस हैं ना, अब मेरे ख्याल से वही इसको बाय कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बिक रहा यहाँ पर एप्पल एयरपोर्ट प्रो 2, सॉरी प्रो, जो जो यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं बिक रही इनकी हैंड फ्री। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एप्पल को कुछ नया लेकर आना चाहिए, क्योंकि इसके अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं, तो हम उनको क्यों ना बाय कर लें इतनी ज़्यादा हाई प्राइस के साथ, तो हमें वहाँ पर $100 में प्राइस में मिल जाएंगे। चाहे हम सैमसंग के ईयरबड्स ले लें, काफ़ी अच्छे ईयरबड्स होते हैं, उनकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है, बैटरी भी अच्छी होती है, यानी कि बिल्कुल ही घटिया होते हैं, बिल्कुल क्वालिटी भी कुछ नहीं होती, घटिया प्लास्टिक के बने होते, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, बट एप्पल का अलग स्टैंडर्ड है, एप्पल का नाम है, मतलब एप्पल एप्पल ही है भैया एंड में, तो यही मैं कह सकता हूँ। तो एप्पल को चाहिए कस्टमर्स का ख्याल रखे और कलर्स अच्छे नए लेकर आए। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी किस्म की एप्पल से रिलेटेड न्यू रेंडर्स, लीक एंड र्यूमर्स, रिलीज डेट एंड प्राइस देखने के लिए, रिव्यूज़ और कंपैरिजन देखने के लिए, मेक श्योर चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अपकमिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।